नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। एफएटीएफ का बड़ा फैसला, ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाक, आतंकी सरगनाओं पर करनी होगी कार्रवाई। डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार जो ब्रिटेन के एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, उन्होंने कहा कि लोग कोरोना में रहना नहीं सीख रहे हैं बल्कि मरना जरूर सीख रहे हैं। यूएस नेवी का विमान अलबामा में हुआ क्रैश, दो पायलटों की हुई मौत। अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को फिर से शुरू करने की इजाजत। कोलंबिया के उपराष्ट्रपति को भी हुआ कोरोना, मार्ता लुसिया रिमिरेज ने खुद दी जानकारी। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम निवास रावत के खिलाफ कोरोना वायरस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर बहोड़ापुर थाने में FIR दर्ज की गई। सेना की कैंटीन में अब नहीं मिलेंगे आयातित उत्पाद, विदेश से आयात सामान की बिक्री पर रोक। देश में 70 लाख से अधिक लोग कोरोना से हुए ठीक, करीब 90% हुई रिकवरी दर। कमलनाथ पर शिवराज का हमला, कहा नारियल लेकर नहीं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर पहुंचूं। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित टैंकर घर में घुसा, 2 की मौत और 3 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां भगवती की शक्ति आराधना कर किया महानिशा पूजन। वृंदावन में 25 अक्टूबर से खुलेंगे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। यूपी में दबंगों ने बंधक बनाकर दलित युवा को इतना पीटा कि उसकी हो गई मौत, सभी आरोपी गिरफ्तार। IPL 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट से बाहर, पहली बार झेली ऐसी शर्मनाक हार। कपिल देव ने एंजियोप्लास्टी के बाद शुभचिंतकों को दिया धन्यवाद। महिला क्रिकेटरों ने PPE किट में एयरपोर्ट पर किया कैटवॉक। क्रिकेटर ईशान किशन ने कहा कि मैंने ग्राउंडेड शॉट्स पर काफी मेहनत की है। मुंबई के खिलाफ पावर प्ले में ही मैच हार चुकी थी चेन्नई, कोच स्टीफन फ्लेमिंग। प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट ने ईशा और आकाश अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।